Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो बनने वाली हैं, साथ में इंफॉर्मेशन जो है वो ज़बरदस्त मिलने वाली है आपको। कहा जाता है कि इंसान के दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाए तो वो ख़त्म नहीं होती। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि मछली के ऊपर दूध पीने से जो है ना वो कोई धब्बे छब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा जून जुलाई के महीने में मछली नहीं खानी चाहिए, और इमली खाने से जो है ना मर्दों को इमली नहीं खानी चाहिए। इस तरह की बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं जिसका कोई दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ जो है वो हम नहीं खा रहे होते हैं और जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैपनीज़ लोगों के यहाँ जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो बच्चे सुबह के टाइम पर छोटी छोटी मछलियों के जो चिप्स होते हैं वो और एक गिलास दूध दिया जाता है ताकि जिस्म और विटामिन डी की कमी ना हो, और इसकी वजह से उनके हड्डियां मजबूत होती हैं। 70 साल का आदमी अगर 17 साल के आदमी के साथ रनिंग करे, पाकिस्तान के 17 साल का बच्चा हो और वहाँ के 70 साल का आदमी हो, तो शायद वो जीत नहीं पाएगा। वो 70 साल वाला जो है वो जीत जाएगा, इसलिए कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसलिए कि वो फ़िश का इस्तेमाल और इस तरह से करते हैं, दूध के साथ फ़िश का इस्तेमाल करते हैं। ये एक टोटका भी है कि अगर आप छोटी मछलियों को अगर 7 दिन तक दूध के साथ लें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भी आपके जिस्म में हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी। हड्डियों में भुरभुरापन है जो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ में जो है आप हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर रहेंगे। चलते हैं, आज आपको बताते हैं कि इमली जो हमारे यहाँ बड़े अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में कि यार ये नुकसानदेह है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं इसके अंदर, मर्दों को इमली नहीं खाना चाहिए। जिगर के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर आपको फैटी लीवर है इसके लिए इमली से बेहतर कुछ चीज़ नहीं है। और मद्रास में एक चीज़ बनती है, उसको कहते हैं चार, अचार नहीं बल्कि चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार जो है कहा जाता है। और ये मद्रास के किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर आप जाएं तो वहाँ ये फ्री दिया जाता है ताकि आप खाने के साथ इसे पिएं सूप की तरह, और इसे खाना हजम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है जी। और यहाँ मैं वो चार आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये इमली का पानी है नॉर्मल, जैसे थोड़ी सी इमली आपने ले ली 4-5 दाने और उसका पानी आपने बना लिया और उसको छान लिया, ठीक है जी। और उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और इसमें जो है अपना राई दाना और कड़ी पत्ता, ठीक है जी, 4 से 5 इधर कड़ी पत्ते डाल दिए, ठीक है जी। ये हमारे इसका बघार बन गया, चार का जो बघार है वो तैयार हो गया। इसमें वैसे वहाँ पर हींग भी डाली जाती है, थोड़ी सी एक चुटकी हींग भी डाली जाती है बघार के अंदर, और इसे जो है बघार लगा दिया जाता है। और ये आ गया बघार, ठीक है जी, और ये बन गया चार। ये जो है चार मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और इमली जो है आपको जिस्मानी जो लीवर का प्रॉब्लम, जितने भी लीवर के मसले मसाइल होते हैं उसके अंदर बेतहाशा हेल्प करती है। इमली को ऐसे अगर सूप के तौर पर बनाकर भी पिया जाए तो जैसे कि मैंने बताया आपको, चार जो मद्रास में ख़ास तौर पर और वहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, घरों पर खाने के साथ ये सर्व दिया जाता है एज ए सूप के तौर पर, और इससे जो है खाना बहुत जल्दी हजम भी होता है और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन रखता है। जितनी पुरानी इमली होगी उतने आपके मैदे की तमाम जुमला अमराज के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी। पुरानी इमली का मतलब ये कि रखे रखे देखी होगी अपने, इमली काली हो जाती है। तो ये मेरे पास इमली है, इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप इसका सूप यानी कि रस बनाया जाता है, जैसे कि हम दाल में इस्तेमाल करते हैं। खट्टी दाल आपने कभी खाई होगी, हैदराबाद दक्कन वगैरह में बहुत ज़्यादा बनती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे और शहरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। थाईलैंड के अंदर जब सैलड वगैरह बनता है तो इसका जूस निकाल कर इमली का सैलड के अंदर एज ए ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही कारामद है, आपकी सेहत के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ इसे आप मुख्तलिफ किस्म के, जैसे दाल मैंने आपको बताया, बहुत सारी जैसे कि आलू अपना गोश्त दाल गोश्त बनता है उसके अंदर भी इसको डाला जाता है, और भी बहुत सारे रेसिपीज़ के अंदर इसको शामिल किया जाता है। और बहुत सारी रेसिपीज़ आपने खाई होगी, बघारे बैंगन हो गए, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। और ये आपकी मैदे को, आपके जो फैटी लीवर है उसको, लीवर के यानी कि जितने जुमला अमराज हैं उन तमाम चीज़ों को ये कंट्रोल करता है,
और आपकी सेहत को ज़बरदस्त रखता है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपके समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और जो गलत कॉन्सेप्ट है जहन में उसको तो निकाल कर बाहर फेंक दें एक तरफ, कि उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है कि मर्दों को नहीं खाना चाहिए और मुख्तलिफ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज के बाद से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेसिपी जो मेन है हमारी, आज हम आपको निमको सिखाने जा रहे हैं। निमको मार्केट से हम ख़रीदते हैं बहुत सारे निमको के, मुख्तलिफ किस्म के निमको इस्तेमाल करते हैं। आज मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको निमको बनाना सिखाऊंगा और सिंपल आसान, अपने घर पे बहुत सारी क्वांटिटी बनाकर इकट्ठे रख लें, ठंडा करें, इसे एयर पैक प्लास्टिक के डब्बों में बंद कर लें या थैलियों में बंद करके रख लें और जब भी आपके मेहमान आए उनके सामने सर्व करें और इतने सारे पैसे जो आप ज़ाया कर रहे होते हैं हज़ारों रुपए के हिसाब से, वो कई सौ में कई हज़ार रुपए का आप नीमको घर पे तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ऑयल जो है नाकिस किस्म का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर जो नीमको बनाया जाता है बाहर, जो प्रोफेशनल नीमको बनाते हैं। तो आप जब घर पे बनाएंगे नीमको लाजमी आप अच्छा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, बेसन अच्छा इस्तेमाल करेंगे, मसाले अच्छे इस्तेमाल करेंगे, तो नीमको ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त सा बनेगा और जो भी खाएगा वो कहेगा वाकई ये नीमको जो है आपके लिए बेहतरीन है। और अपने घर पर एक चीज़ जब आपके बन सकती है और उसको आसानी से आप बना सकते हैं तो उसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है आपकी, शुरू में आपको एक सांचा लेना पड़ेगा जिससे नीमको बनाया जाता है। जो आपको कराची में रहने वाले हैं वो बोरी बाज़ार से जाकर ले सकते हैं और ये सांचा आपको 500 से 600 रुपए के अंदर मिल जाता है और इसके अंदर बहुत सारे और इसमें सेव बनाने का, पापड़ी बनाने के सांचा, मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर चीज़ें लगी हुई होती हैं जो आपके बेहद काम आने वाली हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप ये बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि वाकई यार ये चीज़ हम इजीली कैसे घर पर तैयार कर सकते हैं। और इसको बनाएं और बनाने के बाद मुख्तलिफ आइडियाज़ मैं आपको दे दूँगा कि किस तरह से इसमें बनाया जा सकता है। सूखा चिवड़ा जो है मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों मिल जाता है, उसे आपने ले लिया, चिवड़ा फ्राई कर लिया, उसके साथ आपने सेव बना लिया, पापड़ी बना ली, मूंगफली को किस तरह से फ्राई करना है, कच्ची मूंगफली मार्केट के अंदर मिल जाती है जिसको हम फ्राई करते हैं, हल्का सा ऊपर से नमक छिड़क कर आपको बहुत ही महंगे दाम पैकेटों में मिल जाता है, वही चीज़ होती है जो आपको मार्केट में मिल रही होती है, ये कोई स्पेशल किस्म की चीज़ नहीं होती। इसको हम कहते हैं सादी मूंगफली जो मार्केट के अंदर आपको मिलती है। किसी ड्राई फ्रूट वाले की दुकान पर आप जाएंगे तो आप उसे कहेंगे कच्ची वाली मूंगफली दे दें तो वो आपको जो मूंगफली देगा वो कच्ची होगी, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता और ना नमक होता है ना कुछ भी नहीं होता। तो उसको आप घर पे लाकर इस तरह से फ्राई करके आप इसको दें। इसके अलावा दालें आपने देखी होंगी निमको के अंदर बड़ी ग्रीन कलर की, हरे रंग की, लाल रंग की दालें होती हैं, इसको भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी हम आपको साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप अपने दालों को और चनों को कलर दे सकते हैं ताकि निमको के अंदर जब कलरफुल दालें होती हैं तो बड़े मज़ेदार सी नज़र भी आती हैं और खाने में मज़ा आता है। इसके साथ साथ इसमें हम कड़ी पत्ते को फ्राई करके डालते हैं तो वो और ज़्यादा निमको मज़ेदार बनता है। इसके साथ लहसुन को हम फ्राई करके डालते हैं तो और निमको में टेस्ट आता है। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आप ऐड करके एक ही बैटर को आप मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने बैटर बनाया, उससे आपने सेव बना लिया, उसमें कुछ मसाले शामिल किए, कुछ और बना ली और उसके साथ गठिया वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो हैं घर पर आप बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और उसमें मसाले वाले सेव भी तैयार कर सकते हैं, मसाले वाले पापड़ी बना सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और मज़ेदार और आसान तरीके से। तो आज का प्रोग्राम 5 से 6:30 तक कहीं जाने का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये ज़रूर आप नोट करेंगे। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए आपसे तो रात को 1 बजे और आज रात 1 बजे और सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, उसे भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पिछले प्रोग्राम में जितने भी हमने आपको टिप्स दिए हैं वो भी आप लेना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक एड्रेस चल रहा होगा आज इंटरटेनमेंट का, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और वापस आने के बाद बनाएंगे मज़ेदार से निमको, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें और इंशाल्लाह आप हमारे साथ होंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार निमको तैयार होने जा रहा है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निमको। सबसे पहले बेसन, और बेसन असली होना चाहिए आजकल जो है बेसन जो है थोड़ा सा मिलावट वाला बेसन बहुत ज़्यादा आ रहा है, अच्छी जगह से किसी जगह से लें तो इंशाल्लाह आपको बेसन जो है वो सही मिल जाएगा। बेसन आधा किलो में जो है 100 ग्राम के करीब चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और इसमें टेस्ट जो है वो थोड़ी सी मैं अभी जो
सेव बना रहा है उसमें सिर्फ मैंने हल्दी डाली है और लाल मिर्च शामिल किया थोड़ा सा, और इसके साथ नमक, और इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल करके इसे हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, और इसे स्मूथ रखने के लिए इसमें हल्का सा ऑयल शामिल करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। और इसे हमने मिक्स करना है और डो जैसे हम बनाते हैं उस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, सारी चीज़ों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसमें हमने पानी शामिल किया और इसकी डो तैयार कर ली, और इसे रेस्ट देना है तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, ठीक है जी। हमारे पास टाइम है कम, मुकाबला है सख्त, इसलिए कि सारी चीज़ें आपको शेयर करनी है आपके साथ, लेकिन जब आप ये डो बना लें उसके बाद आप तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रेस्ट दे दें, ठीक है जी। और पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो जाए, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छा सा स्मूथ सा डो तैयार कर लिया और इसे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए आपने रेस्ट दे दिया, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑयल गरम होना चाहिए, और इसके लिए आपको लेना होगा एक सांचा, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं, खदीजा फ्रॉम लाहौर, लाहौर। सलाम अलैकुम खदीजा। वालेकुम अस्सलाम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुलजार भाई, मेरी बहुत खुशबख्ती है आज के दिन के लिए कि अल्लाह ताला ने मेरी आपसे बात करवाई। मैं अपने दरवेश भाई से बात कर रही हूँ, मैं आज के रसूल सल्लम से बात कर रही हूँ, मैं इंसानियत के खादिम से बात कर रही हूँ, मैं उस शख्स से बात कर रही हूँ जिसको अल्लाह ने नबी करीम सल्लम की उम्मत के लिए नफे के लिए पैदा किया। हदीस है ना कि तुम मुझसे बेहतर वो है जो लोगों को नफा दे। गुलजार भाई, आप तो सबसे पहले तो खैर ही खैर है, अल्लाह ने आपको खैर और भलाई के लिए इस दुनिया में रखता है, हमारी यानी कि बेहतरी के लिए आपको पैदा किया कि आप हमें गाइड करें। आप एक शेफ नहीं है, आप एक मुकम्मल इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया कि उन सबके फायदे के लिए लगे हुए हैं, दिन रात एफर्ट कर रहे हैं हमारे लिए, कभी हुक्मा से मिल रहे हैं, कभी तबीबों से मिल रहे हैं। गुलजार भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अल्फाज से आपकी तारीफ करूँ। गुलजार हुसैन जो आपका नाम है ना, नाम की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं आप। अल्लाह आपको जिंदगी दे, उम्र खिजर दे, अल्लाह ताला आपके कर्म फजल की बारिश के अनवार कर दे, अपनी रहमतों का नूर आप पे कर दे। भाई मेरी खुशबख्ती है कि मैं दरवेश अल्लाह के वली से बात कर रही हूँ। शुक्रिया, अल्फाज ही है, मैं कैसे बयान करूँ मैं किस तरीके से मुझे आपसे बात करके अल्लाह ने इतनी खुशी दी है। आई एम नो वर्ड, आई एम नो सिंगल वर्ड, टू बी इन योर ऑनर, थैंक यू, यू आर द बेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर कोई पाकिस्तान आइडल का वार्ड होता, मुस्लिम का वार्ड होता, तो यकीनन आपको मिलता, आपको जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन करें, मैं इसका काबिल नहीं हूँ, आपने इतनी 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 सारी बातें कर दी हैं कि मैं इसका कोई, मेरे पास जवाब नहीं है, कोई मैं कुछ कह नहीं पा रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और इतनी सारी मोहब्बत का, इतनी सारी तारीफ का। और यकीन करें, जो लोग अच्छी चीज़ को अच्छा समझते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, तो उससे ये होता है कि दूसरे की हौसला अफजाई होती है, और अच्छा इंसान वही होता है कि हौसला अफजाई के बाद और मेहनत से और ईमानदारी से अपने काम को करें और दूसरे तक कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। चलते हैं निमको की तरफ, और ये डो हमने बना ली। बनाने के बाद ये साँचा आपको यहाँ पर कराची में बोरी बाज़ार पे मिल जाएगा, लाहौर में भी बहुत सारे अनारकली बाज़ार के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं साँचों की, जहाँ पर बेकरी का सामान वगैरह मिलता है, वहाँ पर आप जाएंगे तो इस तरह का साँचा या स्टील का या इस तरह का जो अपना पीतल का है, ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपने ये लिया डो और इसे आपने इसमें डाला। डालने के बाद अब आपने सांचा कौन सा लगाना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सेव के लिए है, ये पापड़ी के लिए है, ठीक है, ये चांद वाला गठिया जो बनाते हैं ये उसके लिए है, इस तरह से मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ तरह आप इसमें तैयार कर सकते हैं। इसको आपने क्या करना है कि सिर्फ इस तरह से बंद कर लेना है, ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इसको बंद करें तो इसकी चूड़ियाँ सही तरीके से चढ़नी चाहिए, और इसे जब इसका काम ख़त्म हो जाए इसको वॉश करें, हल्का सा ऑयल लगाकर आपने इसको रख देना है, ठीक है जी। अब मैं इसको फ्राई करने डालने जा रहा हूँ, और ये इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे और ये हमारे पास से वो निकलता जाएगा इसमें से, ठीक है जी। और बहुत ही इजी है, हर आदमी बच्चा बड़ा कोई भी इसे बना सकता है, ठीक है जी। ये देखें, इसे टर्न करते जाएँ
और ठीक है जी, घुमाते जाएं ताकि दूसरी तरफ भी जाता रहे। ठीक है, वो इसे आपने नीचे से कट कर लिया। और हमारे पास कॉलर हैं, मोहम्मद इकबाल फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहम्मद इकबाल साहब? हेलो सर जी, आपने ये कल प्रोग्राम में सियासत और रिश्ते के बारे में बताया था। जी जी जी, कल मैंने बिल्कुल बताया था। आप टीवी बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। उसके लिए मेहरबानी करें, बता दें। जी जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, मैंने अभी डाला है इसको फौरन, ये काफ़ी अच्छा सा कड़क सा नीमको, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप यकीन करें। आप इसे, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, कोई यानी कि मैंने इसमें 30 मार खान वाला कोई काम नहीं किया है। और सिंपल, आप अपने घर पर ये नीमको, आप काफ़ी पैसे लगते हैं आप जब नीमको ख़रीदने जाते हैं। दूसरी बात ये, में ऑयल बहुत ही नाकस किस्म का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से आपकी, आपके बच्चों की, आपके मेहमानों की, सबकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपको हम इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें जो है बनाना सिखाएँ। ये देखें, इस तरह से ये तैयार हो गया और इसे मैंने निकाल दिया टिश्यू पर। ठीक है जी, और इसके साथ साथ मैंने इधर इसी से फिर दूसरा स्टेप करना है। और जब हम इसकी गाठिया बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा या जो क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर होता है, ये दोनों में से कोई भी चीज़ आपने इसी में एक चाय का चम्मच डाला, इसको मिक्स किया आपने। ठीक है, इसी डो को अब इसमें बेकिंग सोडा आने की वजह से ये जैसे डिफरेंट है, अब ये थोड़ा सा फूला फूला सा बनेगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसका सांचा चेंज करूँगा और इसमें दोबारा से वापस ऐड कर दूँगा ये वाला सांचा। ये सांचा हमने निकाल लिया और इसमें लगा दिया दूसरा सांचा। हमारे पास कॉलर है एनी फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम एनी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी एनी। हेलो जी, कैसे गुजारन कर जी? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें यानी फिर ड्रॉप हो जाएगी लाइन। ठीक है जी, गुजारन कर। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है आपकी आवाज? अच्छा जी, अब आ रही है। हेलो हेलो, थोड़ा सा तेज बोले आप। हेलो हेलो जी, हेलो जी, आपके पास हो सकता है लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, दोबारा जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इसमें हमने थोड़ा सोडा मिक्स कर दिया, दोबारा इसे हमने इसमें डाला। ठीक है जी, और इसमें हमने सांचा किया चेंज। अब ये सिंगल तारे वाला सांचा लगाऊंगा मैं इसमें। ठीक है जी, और इसे करूंगा बंद और देखते देखते आपके पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें तैयार होंगी। और अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और हैं, कहीं जाने का नहीं है, आपने सारी चीज़ें ज़रूर सीख लेनी है। ठीक है जी, और ये मौका बार बार जो है ना नहीं आता। ठीक है जी, ये देखें, ठीक है जी, इस तरह फैलाते जाएं, डालते जाएं। ये सिंगल इसको तारे वाला जो होता है ये बन गया। ठीक है, इसे आपने हटाया और थोड़ी देर इसको पड़े रहने दिया, फौरन इस पर चमचा ना लगाएं। ठीक है, अब इसमें और इसमें जो है ना फ़र्क ये होगा कि ये थोड़ा सा फूला फूला सा, इसे जब आप तोड़ लेंगे, ये घटिया टाइप, गाठिया जिसको कहते हैं, उस टाइप का ये बन जाएगा। ठीक है जी, और ये देखें, इसे आपने दोनों अतराफ से सेक लिया और ये आपके पास एक और चीज़ रेडी हो गई। इसको तोड़ते जाएंगे तो टूट भी जाएगा ये इसी में। ठीक है, ये देखो, ठीक है, पीसेस में हो जाएगा ये बहुत ही आराम से। दोनों अतराफ से बनाएं और मज़े लेकर खाएं। ये देखें, इसको जब ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ये देखें, मुनवर आवाज़ आ रही है? आ रही है। आराम से खुद बनाएं, खुद खाएं, एंजॉय करें। ठीक है जी, और साथ में इसी के साथ साथ
ये दूसरे वाले गठिया जो है ये भी तैयार हो गया। अब आपको मैं क्लोज दिखा दूंगा फटाफट। ये देखिए ज़बरदस्ती, ठीक है जी। फिर बाद में हम इसे सारी चीज़ों को इकट्ठे करके सेट करेंगे और इतना सारा नीम को बनेगा कि ये एक साल तक चलता रहेगा, ठीक है जी। एक किलो बेसन से आप बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास ये आ गया फाइनली। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाने से पहले मैंने क्या करना है कि सूखा चिवड़ा जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है और इसे मैं लगा दूंगा ऑयल में फ्राई होने के लिए। चलें जी, चिवड़ा भी चला गया और टाइम हो गया है ब्रेक का, एक छोटा सा चिवड़ा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपी तैयार हो रही है और साथ में यहाँ पर चिवड़ा जो है वो फ्राई हो चुका है, साथ में नीमको दोनों किस्म के एक गाठिया जो है वो भी तैयार हो चुका है, साथ में हमने सेव भी जो है वो तैयार कर लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी। पापड़ी बनाने के लिए हमने बेसन लिया, इसमें हमने थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स किया और इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला, साथ में थोड़ा सा नमक डाला और इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी। और इसमें सिर्फ नमक हल्दी और बेकिंग सोडे के साथ ये बनता है और सिंपल होता है ये, सादा सा और मज़ेदार सा, ठीक है जी। इसे आपने थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें इसमें ताकि ये स्मूथ बने बैटर, एक से दो टेबलस्पून, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल किया और इसे तैयार कर लिया, ठीक है जी। और इसी दौरान मैं जो है इस हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और इसे जिसे डो बनाते हैं वैसे हमने पहले बनाया था, इस तरह की डो जो है हमने तैयार करना है और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है और जो है तैयार कर लेना है। आप प्रोमो अभी हम चला रहे हैं, हेलो अभी चलें, चलते हैं और चलकर देखते हैं हमारा जो अगले हफ्ते से मंडे से पंजाबी वीक शुरू होने वाला है उसका प्रोमो। बशीरे ओ जुलेखा कितने हो सारे, आ जाओ कि आ गया गुल्लू बट मैदान विच। 6 नवंबर तो सारा हफ्ता सिर्फ तो सिर्फ पंजाबी खाने तो रो शिव गुलजार दे नाल। इश जी नाज़रीन, ये हमारा वीक शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से मंडे से और इंशाल्लाह आप लोग इन्जॉय करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही मज़े की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके जो भी हमें खुशी बांट सकता हूँ, थोड़ी बहुत आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे सकता हूँ वो मैं देता रहूँ और अपने काम को इसी तरह से मेहनत के साथ आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। साथ में यहाँ पर हमारे पास जो है ये डो गठिए की पापड़ी की दो जो है वो तैयार हो चुकी है और इसे हमने सांचे में डालना है और हमेशा की तरह इस सांचे के अंदर आपने ये पापड़ी वाला जो सांचा है वो आपने लगाया, लगाने के बाद इसे किया बंद, ठीक है जी। बंद करने के बाद थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है लेकिन ये कि इंशाल्लाह एक दो दफ़ा आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसके ज़रा चूड़ियाँ नाजुक सी होती हैं, ठीक है। ये हो गया फाइनली डन और अब हम जा रहे हैं पापड़ी के लिए, ठीक है। ये भी बड़े मज़ेदार चीज़ होती है पापड़ी और इसके बाद आप देखेंगे पापड़ी अब इसमें से आने वाली है, ये देखें। जबरदस्ती
ये आ गई पपड़ी, और इसे डालने के बाद फौरन जो है आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, इसको हल्का सा आपने फ्राई करके, और इसलिए कि फौरन तैयार हो जाएगा तो इससे ज़रा इसका कलर भी अच्छा सा आएगा और कड़क क्रिस्पी टाइप की चीज़ जो है तैयार होगी, और इसका कलर जो हमने येलो कलर बनाने के लिए इसमें जो डाला है क्या नाम है हसे, इसमें ज़रा डार्क कलर जैसे कि ऑरेंज टाइप का कलर जो है वो हो जाएगा, और उसके बाद ये बड़ा क्रिस्पी मज़ेदार सी ये देखें बिल्कुल डिफरेंट कलर में पापड़ी हमारी तैयार हो गई है, और इसको थोड़ा सा हवा देंगे, हवा लगने देंगे, उसके बाद फिर इसे हमने सर्व कर देना है मुख्तलिफ पापड़ी के साथ। हमारे पास कॉलर हैं नाजिया फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को, हम लोग बहुत ट्राई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और अभी आप लोगों ने बताया ना ये इमली का फैटी लीवर के लिए, वो जरा काइंडली बताने की क्या यूज करना है। मैं बिल्कुल अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन तो पापड़ी भी तैयार हो गई। अब आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जो निमको मिलता है उसमें चने और दाल जो होती है कलरफुल होती है, हमने दाल को चने की दाल को सख्त बॉईल किया, करने के बाद इसमें रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों अलग अलग हमने लगा लिया, और लगाने के बाद इसे छोड़ दिया। ये देखें ये रेड कलर हो गया, सिंपल, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नमक शमक कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत, बाद में हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? ये हमने डाल दिया फ्राई होने के लिए, इसमें लगा दिया रेड कलर और ये लगा दिया ग्रीन कलर, ठीक है? दोनों को इकट्ठे डाल दें भले फ्राई करने के लिए, और उसके बाद हमने मूंग की दाल भी जो निमको के अंदर फ्राई हुई हुई बड़ी अच्छी लगती है, तो मूंग की दाल जो है ना वो भी आपने इसमें फ्राई करने के लिए डालना है। उसके लिए क्या करना है कि मूंग की दाल को आपने सिर्फ बॉयल्ड पानी में 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करना है, और उसे निकाल कर छान कर रख लेना है, और उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम मूंग की दाल फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें, अभी मूंगफली और बहुत सारी चीज़ें और फ्राई होने वाली हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आटा, अज्जा, बेसन आधा किलो, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन स्लाइस 8 से 10 चवे, करी पत्ता 6 से 8 अदद, टाटरी 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर हस्बे जरूरत, माश की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप, मूंगफली आधा कप, चेवड़ा 2 कप, चाट मसाला हस्बे जरूरत, फूड कलर हस्बे जरूरत, तेल फ्राई के लिए नमक हस्बे जायका। तरकीब, बेसन में लाल मिर्च हल्दी 1 चाय का चम्मच, पानी टाटरी जीरा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करके बैटर बना लें, और निमको के सांचे में बेसन का मिक्सचर डालकर गरम तेल में फ्राई कर लें। दूसरे सांचे में बेसन का मिक्सचर डालकर गरम तेल में फ्राई कर लें। माश की दाल को पानी में हल्दी डालकर मिक्स करें और 2 घंटे के लिए भिगो लें, निकाल कर छान लें और पानी खुश कर लें। अब इसे फ्राई कर लें। चने की दाल में फूड कलर और हल्दी डालकर मिक्स करके सख्त बॉईल कर लें, निकाल कर छान कर खुश कर लें और फ्राई कर लें, और इसमें लहसुन के फ्राई कर लें। अब खुश चेवड़े को हल्दी के साथ मिक्स करके ऑयल में फ्राई कर लें। ऑयल में करी पत्ते को कड़कड़ा लें और निकाल लें। मूंगफली भी ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। अब 1 सर्विंग प्लेटर में निमको, चने की दाल, माश की दाल, चेवड़ा, मूंगफली, करी पत्ता और चाट मसाला के साथ सर्व करें। निमको प्लेटर तैयार है। शीरे, ओए जुलेखा कितने हो सारे, आ जाओ के आ गया गुल्लू बट मैदान विच। 6 नवंबर तो सारा हफ्ता सिर्फ तो सिर्फ पंजाबी खाने, तो रोज शिव गुलजार दे नाल। इश
वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज जो है तैयार हो रही हैं। निम्को प्लेटर तैयार हो रहा है और इस वक्त मैंने जो है कलरफुल चने की दाल रेड और ग्रीन कलर में फ्राई कर दी है। अभी आपको दिखाते हैं कैमरे में, बहुत ही ज़बरदस्त से निम्को के अंदर जाएगी तो और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर जो है वो आएगा। उसके साथ हमने जो है जो माश की दाल है उसको हमने, जैसे कि मैंने बताया, बॉयल्ड पानी में एक आध मिनट के लिए आपने डालना है, इसको बॉयल्ड हो जाए उसके बाद निकालना है फ़ौरन खुश करके, और उसके बाद इसके आपने बिल्कुल ड्राई कर लें, उसके बाद फ्राई करें, क्रिस्पी फ्राई करें। और नमक ऊपर से डालेंगे इसमें, कभी भी नमक पहले से डालकर नहीं रखेंगे वरना ये सॉगी हो जाएगा और क्रिस्पी फ्राई नहीं होगा, ठीक है। ये माश की दाल हमारी फ्राई हो रही है। अब इसके और लवाजमात में जो चीज़ें हैं वो हैं हमारे पास मूँगफली, जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, ये वाली कच्ची मूँगफली कहलाती है जो आपको मार्केट में किसी भी ड्राई फ्रूट की दुकान पर मिल जाएगी। इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता, ठीक है जी। इसे हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ये डालेंगे मूँगफली को, इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसे और लहसुन के स्लाइसेस बना लें, लहसुन जो होता है उसके स्लाइसेस बना लें, इसको फ्राई कर लें, कड़ी पत्ता फ्राई कर लें, और इस टाइप की चीज़ें आप फ्राई करके निम्को के साथ सब चीज़ें इकट्ठे करके आप इसे मिक्स करके भी रख सकते हैं, मिक्स निम्को बनाकर भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, ठीक है जी। फिर जब जो दिल चाहे आपको वो आपने निकाला और उसे सर्व कर दिया, तो इस तरह से आपके पास काफ़ी सारा, मैंने अभी बनाया नहीं है यानी कि निम्को मैंने पूरा पूरा नहीं बनाया, यानी कि मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा ही बनाया, और बहुत सारा बन जाएगा, आधा किलो में काफ़ी सारा तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। और हमारे पास कॉलर हैं राबिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ार भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, सॉरी ज़रा आवाज़ मेरी बढ़ाएं जी। हेलो, ठीक है जी। अच्छा गुलजार भाई, मैंने आपसे ना तीन मसले पूछने थे। जी पूछिए पूछिए। हाँ जी गुलजार भाई, नंबर वन ये है कि ना मेरे भाई है ना, उनको रात को खराटे बहुत आते हैं। ठीक है ठीक है, सही है। वो सॉरी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, एक तो खराटे वाले जी, दोबारा से कहिए। मैंने कहा हाँ जी, मेरे बड़े भाई है ना, उनको रात को खराटे बहुत आते हैं। मैंने सुन लिया। हाँ, दूसरा जो था मसला। हाँ जी, दूसरा ये है कि ना मेरे घुटनों में ना दर्द बहुत रहता है, हालांकि मेरी एज इतनी भी नहीं है, थलती है सारी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, और तीसरा सवाल ये है कि मेरी एक सिस्टर है, उनको ना बुखार जो है ना वो 24 घंटे रहता है। ओह ठीक है। हाँ जी ठीक। और हाँ जी गुलजार भाई, अभी आपने इमली के बारे में बताया ना, तो गुलजार भाई मैं ये ना चावलों में इस्तेमाल करती हूँ ना, इससे खाने से ना मुझे एलर्जिक हो जाती है, यानी कि मेरे खून में ना शिद्दत आ जाती है। किससे? इमली से। लेकिन फिर भी जो है एलर्जी आपको हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक ठीक है। और गुलाब भाई एक बात आपसे और करनी थी कि ना मैं दिन में ना एक दो ना जो लेमन है ना वो मैं खा लेती हूँ रोटी के साथ, कोई बता के कोई नुकसान वाली बात तो नहीं ना? नहीं, लेमन का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल जो है ना वो भी थोड़ा आपके हड्डियों में ना दर्द का भी बायस बनता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना। एक लेमन पूरे दिन में, अगर एक लेमन पूरा साबुत आप उसका जूस बना के किसी ड्रिंक के साथ या वैसे ले लें तो ठीक है। 3 से 4 लेमन थोड़ा ज्यादा है क्वांटिटी, लेकिन कोशिश करें कि अगर इसको थोड़ा सा कम करें तो हो सकता है कि आपके घुटनों में जो इफेक्ट है उसकी वजह से ना हो कहीं ज्यादा लेमन लेने की वजह से। ठीक है मैं बता देता हूँ, और याद रखिएगा है ना उसका हर चीज का एक तोड़ भी होता है। लेमन के साथ शहद का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपको उसके असरात को कम कर देगा, ठीक है ना। अच्छा गुलजार भाई, वो अपना पर्सनल नंबर दे देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ले लीजिएगा, होल्ड पर रहिएगा, आप कंट्रोल रूम से ले लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी आपको तमाम चीजें बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। खराटे के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज है दालचीनी, ठीक है जी। दालचीनी की कहवा आपने रात को बनाना है, एक दो दालचीनी ले लेनी है, उसका कहवा बनाकर रात को सोने से पहले आपने, यानी कि सोने जब बेड पे जा रहे हो उस वक्त आपने उसको कहवे को लेना है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपको सीने की जकड़न ख़त्म होती है, दूसरा ये कि खराटे जो हैं जो सांस की नाली होती है उसको साफ़ करने में बेहद मददगार। दालचीनी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सिर्फ दवाइयों में इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ खानों में इस्तेमाल होती है, वहाँ दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है, और चाइना में ख़ास तौर पर बहुत सारे मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होती है, बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको एक डंडी ली आपने, कहवा बनाया रात को सोते वक्त जो है इसको पीकर सोएं, इंशाल्लाह आपको खराटे जो है वो बिल्कुल नहीं आएंगे और इंशाल्लाह बेहतरीन नींद आपकी जो है पूरी होगी। दूसरा ये कि घुटनों की तकलीफ़ के लिए मैंने सबसे बेस्ट चीज़ बताई है वो है हल्दी।
और वो भी साबुत हल्दी आपने अगर रात को लेकर उसको जो है ना साफ करके गर्म पानी में भिगो के रख दें, सुबह फूल जाएगी, उसका पेस्ट बना लें, आधा चाय का चम्मच दूध में मिक्स करके आप नीम गर्म दूध के साथ चाय के कप के साथ जो है एक कप आप रात को सोते वक्त लेते हैं, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हल्दी जो है और भी बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, इवन यहाँ तक कि अंदर के मैदे के अंदर भी अगर कोई अल्सर वगैरह हो, कोई और ऐसी शिकायत हो, तो उसको भी दूर करने में बेहद मददगार साबित होती है। साथ में ये है कि हल्दी वो चीज़ है कि अगर हड्डी पुराने ज़माने में जैसे टूट जाती थी ना, लोग इसका लेप लगा दिया करते थे, उससे भी जुड़ जाती थी। हल्दी के अंदर बहुत फ़ायदा है, इसको अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेफायदा बहुत सारे फ़ायदे आपको इसके अंदर मिलेंगे। हमारे पास कॉलर हैं फरा फ्रॉम लाहौर। सलाम अलैकुम फरा। वालेकुम जी फरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फरा। एक फरमाइश करनी थी मैंने आपसे। जी जी कीजिए। वो सरसों का साग बनाना सिखा दें। सरसों का साग, इंशाल्लाह पंजाबी वीक आ रहा है ना अगले हफ्ते, तो इंशाल्लाह सरसों का साग और मकई की रोटी और साथ में मक्खन शक्कर जो है ना वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी। और एक पूछना था मैंने आपसे कि वो ना मेरे जिस्म में खून कमी हो गई है। अच्छा ठीक है, तो वो अभी तो बड़ा जिस्म पे ना नीले नीले धब्बे पड़ गए हैं। अभी आप बड़ा जबरदस्त मौसम है, अनार अभी मार्केट में है मौजूद, अनार जो है ना एक अनार लेकर और उसको एक खाने का चमचा जो है ना शहद के साथ मिक्स करके अगर आप रोज़ाना एक गिलास अनार का जूस लेना, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी जो है ना बहुत जल्दी जो है ना सेट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है जी। हमारे पास टाइम हो गया है ब्रेक का। हेलो जी, ब्रेक का टाइम हो चुका है। यहाँ पर मूंगफली को मैंने देखे कितना खूबसूरत फ्राई कर लिया है और ये मैंने डाल दिया है लहसुन के स्लाइसिस, इसको भी ब्राउन करना है और कड़ी पत्ते को भी ब्राउन करना है, ठीक है जी। और वापस आते हैं और चाट मसाला छिड़क कर सारी चीज़ें तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। निम्को प्लाटर, अज्जा, बेसन आधा किलो, जीरा पाउडर एक खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, लहसुन स्लाइस 8 से 10 जवे, कड़ी पत्ता 6 से 8 अदद, टाटरी एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर हस्ब जरूरत, माश की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप, मूंगफली आधा कप, चेवड़ा 2 कप, चाट मसाला हस्ब जरूरत, फूड कलर हस्ब जरूरत, तेल फ्राई के लिए नमक हस्ब जायका। तरकीब, बेसन में लाल मिर्च हल्दी एक चाय का चम्मच, पानी टाटरी जीरा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करके बैटर बना लें और निम्को के सांचे में बेसन का मिक्सचर डालकर गरम तेल में फ्राई कर लें। दूसरे सांचे में बेसन का मिक्सचर डालकर गरम तेल में फ्राई कर लें। माश की दाल को पानी में हल्दी डालकर मिक्स करें और 2 घंटे के लिए भिगो लें। निकाल कर छान लें और पानी खुश कर लें। अब इसे फ्राई कर लें। चने की दाल में फूड कलर और हल्दी डालकर मिक्स करके सख्त बॉईल कर लें। निकाल कर छान कर खुश कर लें और फ्राई कर लें और इसमें लहसुन के स्लाइस करके फ्राई कर लें। अब खुश चेवड़े को हल्दी के साथ मिक्स करके ऑयल में फ्राई कर लें। ऑयल में कड़ी पत्ते को कड़कड़ा लें और निकाल लें। मूंगफली भी ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। अब एक सर्विंग प्लेटर में निम्को, चने की दाल, माश की दाल, चेवड़ा, मूंगफली, कड़ी पत्ता और चाट मसाला के साथ सर्व करें। निम्को प्लेटर तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है निम्को प्लेटर्स तैयार हो चुके हैं। 2-3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं किस तरह से आपने इसको अलग अलग रखना है, मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर से चाट मसाला डालें, कड़क क्रिस्पी जो है ना इसके ऊपर जो है आपने मूंगफली जो हमने फ्राई की है वो है, लहसुन के स्लाइसेस हैं इसके ऊपर डाले हुए हमने, और इसके ऊपर से जो है ना हमने कड़ी पत्ता, ये भी कड़क हुआ हुआ है, क्रिस्पी सा हुआ हुआ है, बहुत ही मज़ेदार ये निम्को है। इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे आपके मेहमान भी आपके अपने घर के बना हुआ निम्को, और ये ठंडा होने के बाद इसे आप प्लास्टिक की थैलियों में डालकर पैक करके रख सकते हैं। आजकल जिप लॉक थैलियाँ आ गई हैं, इसमें से निकालें, एक दफ़ा निकालने के बाद उसे लॉक करें, दोबारा रख दें और इंशाल्लाह ये काफ़ी टाइम तक आपके पास रहेंगी, और एक ही दफ़ा मेहनत करें और पूरे महीने का जो निम्को तैयार करके अपने घर पर रख लें। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल कहीं जाने का नहीं है, इसलिए कि आज का तड़का आप लोगों के लिए और आप लोगों का प्रोग्राम है,
जहाँ अपनों की बात होती है तो खदीजा ने फ़ोन करके इतनी तारीफ़ की है कि मैं अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जवाब क्या दूँ। इतनी मेरी ज़िंदगी में पूरी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा मुझे हौसला अफजाई है, इतनी तारीफ़ जो है वो नहीं हुई है। लेकिन मेरी भी दुआएं हैं आपके लिए और आप तमाम देखने वालों के लिए, जो भी मुझे देख रहा है इस वक्त, मेरी और मेरी पूरी टीम तड़का की जो टीम है उनकी सबकी दुआएँ हैं आप लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में परेशानियां आने और जाने वाली चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन इंसान ज़िंदगी के अंदर जो है ना हमेशा हमेशा खुश रहें। हरसल की तरफ से भी दुआ है जी हमारे, तो सबके लिए बहुत दुआएं। और ये रेसिपी आपके लिए हमने बनाई थी, दो चीज़ें जल्दी जल्दी बता दूं ताकि, एक तो इमली का मैंने आपको बताया कि फैटी लीवर के लिए, जिगर के तमाम अमराज के लिए, मैदे की पुरानी से पुरानी बीमारी हो, उन तमाम चीज़ों के लिए इमली बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है। जितनी पुरानी इमली होगी, काली हो रही होगी, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसका एक चार हमने बनाया था, इमली का पानी सिर्फ हमने, ये बिल्कुल ऐसे पानी बना लिया, इसको छान लिया, छानने के बाद इसके ऊपर ज़ीरा, कड़ी पत्ता और जो है ना राई दाना, इसका बघार लगाया। इसे आप हमेशा खाने के साथ खाएंगे, कोई भी आप खाना खा रहे हैं इसको सूप की तरह गरम गरम पीते जाएं और खाना खाते जाएं, इंशाल्लाह आपका खाना फौरी तौर पर हज़म होगा। जिन लोगों को हज़म नहीं होता है, चटकट झटपट हज़म हो जाएगा, ठीक है जी। और कल के शो में मैं आपको वो भी बता दूंगा जो हमने वायरल और सीने के इन्फेक्शन के लिए बताया था, वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। कल भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और कल बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी भी आने वाली है। और अगले हफ्ते से पंजाबी वीक शुरू होने वाला है, रात को, आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड शाबाश।